अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज सर्दियों के मौसम के हिसाब से मैं बनाने जा रही हूँ गजरेला, जो कि सर्दियों में बनता है। जब गाजर अच्छी आई हुई हो तो ये सर्दियों में गाजर का मौसम होता है, तो लिहाजा चले आज हम लोग बनाते हैं गजरेला। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी मिल्क लिया है, हाफ़ के जी के हिसाब से एक पाव गाजर ली है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक मुट्ठी बस ये इस तरह बन करके ना एक मुट्ठी चावल लिया था। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था, और हाफ कप चीनी, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसमें यूज़ होंगे। आधा किलो दूध, एक पाव गाजर कद्दूकस की हुई, एक मुट्ठी चावल 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो देना है, हाफ कप चीनी। चले अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चूल्हे को ऑन करके मैंने अब ये हाफ के जी जो मिल्क है पहले इसे बॉईल करेंगे। अभी ये कच्चा दूध है, और इसको पाउडर के दूध में बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मतलब कि टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको यूज़ करना है, गजरेला बनाना है और अच्छा जायका भी चाहते हैं, तो खुला दूध इस्तेमाल करिएगा, चाहे वो गाय का हो भैंस का हो, लेकिन फ्रेश मिल्क यूज़ करिएगा। अब मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है, जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखें, दूध में बॉयल आ चुका है, दूध उबल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप चीनी, थोड़ा सा चलाएंगे ताकि चीनी ज़रा सा मेल्ट हो जाए। चीनी भी तो अपना पानी छोड़ती है ना, वो भी सब हो जाए। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, अब इसको स्लो आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम पकने देंगे ताकि गाजर गल जाए। उसके बाद डालेंगे, 10 मिनट के बाद डालेंगे इसमें फिर चावल। अभी गाजरों को गलने दें, अगर चावल हम अभी डाल देंगे ना पहले साथ ही, तो वो गाढ़ा करना शुरू कर देगा दूध को, फिर ये गाजर गलेगी नहीं। तो पहले इसको लिक्विडी फॉर्म है ना अभी दूध, तो इसको पहले दूध में गाजर को गल जाने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो 10 से मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखें व्यूअर्स, ये पकना शुरू हो गई है, पक रही है, बल्कि 5, 6, 7 मिनट होगा इसको पकते हुए, अभी और पकेगी। अब इसमें ये गलना भी शुरू हो गई है। इसी दौरान मैं इसमें डाल दूंगी चावल जो भिगोए थे, ये चावल मैंने पीस लिए हैं ग्राइंडर में, ये चावल जो भिगोए थे ये चावल भी साथ ही इसमें डाल दूंगी, और इसको चलाना है। अब इसको मुसलसल चलाना है, अगर ये लग गई ना नीचे तो फिर जलने की स्मेल आ जाएगी, वो फिर सारा टेस्ट ख़राब कर देगी, तो लिहाजा इसको चलाते रहना है, और ये किनारे किनारे से इसको बस कहीं पे दूध लगे ना, वरना जलने की स्मेल आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको चलाते रहना है, इसी दौरान इसमें चावल भी गल जाएगा और ये गाढ़ी भी हो जाएगी, और मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस वक्त चख सकते हैं। अगर किसी को और मीठा ज़्यादा करना है तो वो चीनी और डाल सकता है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से तो ये हाफ कप पूरा फुल भर के नहीं लिया था, इसलिए कि गाजरें भी मीठी होती है ना, तो हाफ कप थोड़ा सा खाली खाली सा लिया था। अब ये पकता रहेगा, पकने के दौरान ही ये पकता भी रहेगा और गाढ़ा भी होता रहेगा। ये देखें, ये गाजर पक भी रही है, चावल भी गल रहा है इसमें। अब इस वक्त इसमें 4-5 छोटी इलायची कूट के ये डाल देंगे, या पिसी भी आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वरना तो 4-5 छोटी इलायची को इमाम दस्ते में कूट के उसको भी इसमें शामिल कर दें, और इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। ये देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गई ना, अभी ये और पकेगी। मैं आपको ये बता दूंगी इसको किस मौके पे बंद करना है, ठीक है, चूल्हा जब कैसी किस फॉर्म में आ जाए तो आपको चूल्हा बंद करना है। अभी तो ये पक रही है, इसको पकने देंगे, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। ये देखें, 10 मिनट हो गए पकते हुए, अब ये इतनी गाढ़ी हो गई है। अब इस दौरान मैं इसमें थोड़ी सी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दूध की बलाई जो होती है वो शामिल करूँगी। ये मैंने निकाल के फ्रीज़र में रख दिया था रात में, तो ये बलाई भी इसमें शामिल हो जाएगी। बस अब 5 मिनट बाद तकरीबन ये तैयार है, गाजरें गल चुकी हैं, मीठा मैंने चख लिया है, बिल्कुल सही है। 5 मिनट बाद ये रेडी है, हल्की आंच पे इसको पकने दें थोड़ा सा और 5 मिनट तक, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स,
ये गजरेला को मैंने डिश आउट कर दिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैंने इसको बादाम पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है वो कोकोनट, डेसिनेटेड कोकोनट होता है ना पिसा हुआ खोपरा, उसमें जो है मैंने पर्पल कलर का फूड कलर मिलाया है और येलो कलर का फूड कलर मिलाया है, दो रंग से मैंने, बस ये वैसे ही के देखने में ज़रा अच्छी लगे, इससे कोकोनट में फूड कलर मिला के उससे मैंने गार्निश कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसको बादाम पिस्ते से भी गार्निश कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें इसका टेक्सचर, ये इसका टेक्सचर है, ठीक है, इतनी गाढ़ी होगी। तो फिर आप चूल्हा बंद करिएगा और ये है गजरेला रेडी। मेरी रेसिपी से गजरेला बनाइएगा और मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका गजरेला कैसा बना, और इस मौसम को, सर्दियों के मौसम को एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।